हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई होम गार्डन एंड ब्लॉग में। तो आज से हैं तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो जैसे कि दोस्तों आज है नवरात्र, तो मैं आई हूँ अपने गार्डन में फूल तोड़ने। तो सबसे पहले मैं तोड़ती हूँ अपनी माता रानी के लिए फूल, और आधे मैं तोड़ चुकी हूँ। तो जैसे कि ये है अपराजिता के फ्लावर, तो ये भोले शंकर जी को बहुत पसंद है, माता रानी को भी। तो ये वाले फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए पूजा में। तो चलिए तोड़ते हैं कुछ फ्लावर। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो अभी मैंने माता को स्नान भी कराना है, मंदिर मैंने कल सजा दिया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर अपने। तो बने रहिएगा आप मेरी ब्लॉग में, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो इसे लाइक भी कर देना, और नए देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये मैंने तोड़ लिए फ्लावर, आप देख सकते हो मेरे गार्डन के सुंदर सुंदर फ्लावर। चलिए चलिए दोस्तों, पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने नवरात्रों की क्या क्या शॉपिंग कर रखी है। तो ये ला रखे मैंने माता रानी के लिए न्यू ड्रेस, और ये है आसन बिछाने वाला, और ये है माता का श्रृंगार, और ये लाई हूँ मैं माता के लिए नई। तो ये है दोस्तों माता रानी का चौकी, जो इस बार मैं न्यू चौकी लाई हूँ, आप देख सकते हो। ये है एकदम चांदी की तरह लग रही है ये है। तो ये मैं माता रानी के लिए इस बार लेके आई हूँ, और बाकी छोटा मोटा सामान है, दिया छोटे छोटे दिए हैं, रोली मोली है, नारियल है। तो यही छोटा मोटा सामान लेके आई हूँ। और ये है माता रानी का भोग का, ये देखिए ये भी ला रही हूँ मैं इस बार, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई, क्योंकि अपने लिए तो हम शॉपिंग करती ही है। इस बार मैंने ना माता रानी के लिए शॉपिंग की। तो ये देखिए एक छोटी सी चम्मच, और ये माता रानी की कटोरी, और ये है गिलास, और ये थाली है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, तो मैं लेके आ गई। और बस यही है छोटा मोटा सामान है दोस्तों। तो चलिए पहले माता रानी को स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हो गई सज के तैयार की, देखो देखो भगतों ने, धन्यवाद। आपको भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, थोड़ी सी। मेरी मैया तो हो गई सज के तैयार, देखो मेरी माता। बोलो नव दुर्गा मैया की जय। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुकी है हमारे भी पूजा, और हमने हरियाली भी जमा ली है, उनको नए वस्त्र धारण करा दिए, और यहाँ पे एक कलश स्थापना भी हो गई है हमारी। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, और अब हम जाएंगे मंदिर में। तो चलिए आपको थोड़ा मंदिर के दर्शन भी कराते हैं, चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये है हमारा घर, और ये देखिए यहाँ पे है मंदिर, ये है हमारा
सारी मतलब कॉलोनी वासियों का मंदिर है। जय माँ दुर्गा। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, तो चलिए आपको भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। और यहाँ पे है सारे बच्चे पार्टी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। ये बच्चे ना यहाँ पे बहुत सफाई करते हैं और शाम को डेली आरती करते हैं, ना करते हो ना? हाँ। तो ये है मंदिर माता रानी का, ये है यहाँ पे हरियाली भी जमाई ली है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पानी भी चढ़ा लिया है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको दिन में, मंदिर में होंगे हमारे कीर्तन, तो आप लोगों को ना मैं कीर्तन में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। और चलिए एक बार मेरा गार्डन भी देख लीजिए। तो ये है मेरा घर का गार्डन, ये है इधर का, ये है गार्डन, ये है सारा ऊपर हैंगिंग बास्केट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको मंदिर में कीर्तन में। तो दोस्तों, मैंने लगा लिए माता जी को भोग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।